में कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक चिंदी चोर जो हमजतुल्ला खान और एक आईटी सेल का हेड है कोई एमआईएम का, उन्हें कंप्लेन करने पर एक हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे का बैनर निकाल दे रहे हैं, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता हमारे लिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे भगत सिंह जी जो मेरा इंस्पिरेशन है, जो रोल मॉडल है, जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उन्होंने क्या कहा था, भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका स्लोगन लगाने पर ये एमआईएम के गद्दारों को एक प्रॉब्लम होने से कंप्लेन करने लगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये क्या गलत है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूरे मेरे हैदराबाद के नहीं पूरे देश के नौजवानों से कहता हूँ, अब हर घर हर गली हर चौरस्ते पर यह भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये स्लोगन लगाकर अब हर चौरस्ते पर ये बैनर लगाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे डीसीपी साहब को जो सेंट्रल जोन के है, मैं अभी सर्कल साहब से भी मिल के आया हूँ, उनका बोलना है अभी निकाल देते कहते कल लगाते कहते कई को लगाते भाई, ये बैनर से क्या परेशानी है? मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें क्या गलत है? एक चीज मेरे को बताओ, अब सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाषा कातिल में है, बोले तो कातिल कौन है? असदुद्दीन है क्या? वो भी निकाल लेते हैं ये स्लोगन लगाए तो। ये बहुत बड़ा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, आप लोग किसके लिए काम कर रहे? आप एमआईएम के लिए काम कर रहे क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोग किसकी शपथ लिए? जब आप सर्कल एसीपी कुछ बनते हैं तो आप क्या शपथ लेते हैं? डीसीपी बनते हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप एक एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरे मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के, मैं ये बोल रहा हूँ, और कल ये खामोश नहीं बैठूंगा, कल भी इसके लिए धरना लगाऊंगा, अब हर चौरस्ते पर ये बैनर होगा, ये देख लेना आप लोग। मैं बोल रहा हूँ पूरे मेरे नौजवानों को, आइए आज समय आ गया है, देखिए तिरंगा रैली निकालते तो पांच पांच पुलिस स्टेशनों में मेरे पे केस बुक करे, तो भी हम लोग उसका आंसर दिए कोर्ट में, क्योंकि हम कानून की इज्जत करते हैं, कानून से हमारे कुछ एतराज नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट उनका काम करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट करिए आपका काम, बहुत खुशी है, हम भी हेल्प करेंगे आपका साथ देंगे, मगर ऐसे काम मत करिए। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको मैं कोर्ट में भी जाऊँगा इसके विषय पर, और आप जिस जिसको भी यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाना बनाऊंगा, मगर इसका जवाब कोर्ट से दूंगा, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं कानून के दायरे में रह के काम करूंगा, और मेरे को डराने की और मेरे को बोलने की कोशिश जो कर रहे ना, मैं डरने वाला खामोश बैठने वाला किसी के बात से नहीं, किसी के बात से नहीं डरता हूँ मैं, मेरे को अगर देना है ना फांसी भी दे दो परवाह नहीं, मगर तिरंगा यात्रा निकालूंगा, तिरंगा यात्रा करूंगा, हमारे देश के नौजवानों को हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है उनको याद दिलाते रहूंगा, मेरा काम है ये, आइए मेरा साथ दीजिए आज। आज बहुत, लास्ट टाइम भी आपको पता है तिरंगा यात्रा निकालने में कितनी तकलीफ हुई थी, आज सिर्फ एक बैनर लगाने से ये लोग बौखला गए हैं, आज कल से हर गली हर चौरस्ते पे लगेगा, साहब आप लोग कितने बैनर निकालते मैं देखता हूँ, कम से कम हर गली में हर चौरस्ते पे ऐसे बैनर लगाऊंगा मैं, देखेंगे आप क्या होता, मैं को जो भी नोटिस देना आप भेजिए, मैं पुलिस का पूरा साथ दूंगा, मगर एक रिक्वेस्ट है आप लोग पुलिस जो काम कर रही है ना, सिर्फ आप लोग एक जने के लिए काम मत करिए, एमआईएम के लिए आप जनता के लिए पब्लिक के लिए भी काम करिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब, मैं कुछ गलत लिखाया ना आप मेरे पे केस बुक करके जेल भेज दीजिए मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो। भगत सिंह का स्लोगन है वो, मेरा नहीं है वो, एमबीटी का एक चिंदी चोर के लिए आप हमारे को ऐसा करें, एमआईएम का वो आईटी हेड है उन्होंने उसकी बात पे आके आप इतना बड़ा बैनर निकालते हैं हमारा, ठीक है इसका जवाब देंगे, और ये जगह पर ये एमआईएम के गद्दारा लगाए थे शहर हमारा मेहर हमारा बोल के बैनर, जब क्या हुआ था आप लोगों को जब नहीं हटे।